बॉलीवुड के सितारों के एजुकेशन को लेकर खबरें आती रहती हैं कि एक्टिंग में बुलंदियां छू रहे ये कलाकार वास्तव में पढ़ाई के क्षेत्र में नील बट्टे सन्नाटा है। कोई आठवीं फेल है तो कोई दसवीं। नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 10 ऐसे बिहारी कलाकारों से रूबरू करवाऊंगी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सुर्खियाँ बटोरी, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फिल्मी सितारे एजुकेशन को लेकर कितने जागरूक थे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की। तो आपको बता दूं कि बिहार के पटना से ताल्लुकात रखने वाले सुशांत न केवल एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी एक मेधावी छात्र के रूप में उभर कर आए थे। पटना के सेंट कैरन हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी कर 12th के बाद वे इंजीनियरिंग लाइन में चले गए। उन्होंने 2003 में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में 7वां रैंक हासिल किया। सुशांत की शुरुआती फिल्म काई पोची थी, उसके बाद उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव बिमस बख्शी, MS धोनी, राबता, केदारनाथ, सोन चिड़िया और छिछोड़े जैसी हिट फिल्में दी। और अब बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बीते वर्ष 14 जून 2020 को उन्होंने अपने बेडरूम में पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया। हालांकि यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि सुशांत ने सुसाइड किया या फिर यह किसी की सोची समझी साजिश थी। और अब हम बात करेंगे निर्देशक इम्तियाज अली की। बिहार के दरभंगा के मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले इम्तियाज अली का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। इनकी स्कूली शिक्षा पटना के संत माइकल स्कूल से पूरी हुई। उसके बाद जमशेदपुर में उन्होंने DBMS स्कूल से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इम्तियाज अली ने फिल्म में अपनी करियर की शुरुआत 2005 में आई फिल्म सोचा ना था के निर्देशन से की थी। मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी, आपको बता दें कि बॉलीवुड में शत्रुघ्न सिन्हा के बाद डायलॉग डिलीवरी में किसी ने नाम बनाया है तो वो मनोज बाजपेयी ही है। मनोज की गिनती अनुभवी कलाकारों में की जाती है। वैसे तो उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन आज वो हिंदी सिनेमा जगत के बेस्ट कलाकारों में से एक है। मनोज का जन्म बिहार के नरकटियागंज में हुआ था। उनकी पढ़ाई की बात करें तो उनकी हाई स्कूल तक की पढ़ाई बिहार के ही बेतिया जिले के KR हाई स्कूल से पूरी हुई और उन्होंने दिल्ली के रामजस कॉलेज से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। अब हम आपको एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताएंगे जिसने जिस भी किरदार को किया मानो वो किरदार उन्हीं के लिए लिखा गया हो, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक जानलेवा कसाई की हो या फिर नील बट्टे सन्नाटा में एक सरल स्कूल के प्रिंसिपल की। बिहार के गोपालगंज जिले में किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले पंकज त्रिपाठी की स्कूली शिक्षा गोपालगंज जिले के ही DPH स्कूल से हुई। स्नातक के दौरान उनका नाट्य कला की ओर रुझान बढ़ा और फिर उन्होंने साल 2004 में दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बात करें संजय मिश्रा की तो इन्हें लोग बतौर कॉमेडियन जानते हैं। उन्होंने गोलमाल, वेलकम, भूतनाथ रिटर्न्स, अतिथि तुम कब जाओगे जैसी और भी बहुत सारी कॉमेडी फिल्मों में काम किया जो कि सुपरहिट रही है। बात करें इनकी एजुकेशन की तो इन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लिया था। बिहार के चंपारण से संबंध रखने वाले प्रकाश झा एक हिंदी फिल्मकार हैं जो कि एक सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। राजनीति, आरक्षण, गंगाजल और अपहरण जैसी दमदार फिल्में उन्हीं की देन है। आपको बता दें कि प्रकाश झा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सैनिक स्कूल तिलैया से पूरी की थी, आगे की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय बोकारो से की और उसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया। बिहार के सिवान जिले से संबंध रखने वाले अखिलेंद्र मिश्रा ने फिल्म चंद्रकांता और लगान को लेकर पर्दे पर एक अमिट छाप छोड़ दी। 1990 में आई फिल्म चंद्रकांता के क्रूर सिंह के किरदार से उनकी लोकप्रियता हुई और तो और 1980 और 1990 के दशक में दूरदर्शन पर आए रामानंद सागर की धारावाहिक रामायण में रावण के रोल में अखिलेंद्र मिश्रा को काफ़ी पसंद किया गया। बात करें इनकी एजुकेशन की तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग छपरा जिला की स्कूल से पूरी की और राजेंद्र कॉलेज छपरा से ही स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 2001 में आई फिल्म अक्स से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिमन्यु सिंह बिहार के पटना से ही ताल्लुक रखते हैं। उन्हें ज़्यादातर निगेटिव रोल में देखा गया है। उनकी स्कूलिंग पटना से ही हुई है। अभिमन्यु ने न्यू दिल्ली के संत स्टीफन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। नीरज पांडे भारतीय फिल्म में एक निर्देशक, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं जो कि अपनी फिल्म ए वेडनेसडे की वजह से काफ़ी लोकप्रिय है।
आपको बता दें कि नीरज पांडे का जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन उनके पिता बिहार से ही थे। कोलकाता में ही अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीरज दिल्ली आ गए और वहीं से उन्होंने इंग्लिश से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बिहार के दिग्गज लोगों की बात हो और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बिहार की राजधानी पटना में पैदा हुए शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मी हिंदी में काफ़ी नाम कमाया। और आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा के तीनों भाइयों में से कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर तो कोई डॉक्टर है, और शत्रुघ्न बने फिल्म इंडस्ट्री के बिहारी बाबू। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में अपना दाखिला करवाया। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मी दुनिया के साथ साथ राजनीति में भी अपनी एक सफल पारी खेल चुके हैं। ऊपर मिली जानकारी के मुताबिक हमारे सभी बॉलीवुड के बिहारी कलाकार लगभग अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। और इसी जानकारी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।